देखिए जीतन राम मांझी जी का अपना निजी बयान कुछ हो सकता है, उन्होंने कहाँ से बयान सुना है या खुद अपनी मनगढ़ंत बातें बोल रहे हैं ये तो वो ही बता सकते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए हर एक पार्टियाँ कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। क्या कुछ तैयारियाँ हैं? मानसून सत्र तो आप जानते ही है, सामान्य सत्र अभी हर एक बार होता है तो अभी हो रहा है, तो जो भी बातें आएंगी तो सत्र में ही रखी जाएंगी। बिहार के विकास के लिए जो लगातार जो सरकार काम कर रही है आगे भी करती रहेगी। जीतन राम मांझी ने कल कहा है कि नीतीश कुमार ने हमेशा हमें नीचे करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा था कि ये छोटी पार्टी है, पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए अपनी पार्टी का विलय कर ले। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी नीतीश कुमार पर ही हमला कर रहे हैं मांझी। देखिए जीतन राम मांझी जी का अपना निजी बयान कुछ हो सकता है, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी कभी, हमने तो इस तरह का बयान मुख्यमंत्री जी का नहीं सुना है। अब उन्होंने कहाँ से बयान सुना है या खुद अपनी मनगढ़ंत बातें बोल रहे हैं ये तो वो ही बता सकते हैं। और इस लाइन को तो हम लोग क्या बताया जा सकता है, वो खुद ही कुछ अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए हर एक पार्टियाँ कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, तो हो सकता है कि अपने कार्यकर्ताओं के बीच में अपने बातों को कुछ अलग तरीके से रखा गया होगा और पूरा बयान हमने नहीं सुना। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के बारे में नीतीश कुमार ने कहा था कि उनका कैरियर खत्म हो जाएगा, अब देखिए वो 30 तक सुरक्षित हो गया, मंत्री भी है और हम भी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो नीतीश कुमार को एक तरीके से घेरने की कोशिश है मांझी की, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, जो बयान आप बता रहे हैं इस तरह का कोई बयान हमने नहीं सुना माननीय मुख्यमंत्री। अगर आप पत्रकार लोग काफी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपने अगर सुना है तो हमें मुख्यमंत्री जी का बयान दिखा दीजिए तो हम बोल सकते हैं। अपराध पर विपक्ष गरम है, कहना है कि विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को अपराध पर चर्चा करानी होगी तभी विधानसभा चलेगा। देखिए नीतीश कुमार की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, अपराध के मामले में नीतीश कुमार जी कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई लोग अगर अपराध किए हैं तो अपराध अगर किए हैं तो उन्हें जो है सजा जरूर मिलेगी। इस सरकार में ना हम लोग किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाने का काम। सर जीतन राम मांझी 25 सीट मांग रहे हैं विधानसभा में, कर रहे हैं 75 से 100 सीटों पर तैयारी है, 25 सीट चुनाव लड़े हैं। तो हर एक पार्टी ना बोलते रहता है, हर एक पार्टी अपने हिसाब से बोलते रहता है कि जो है हमको इतना सीट लड़ना है इतना सीट लड़ना है, वो तो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए हर एक पार्टी बोलते रहता है। फिर गठबंधन की जब बात होगी, गठबंधन में जब बात चर्चा चलेगी तो ये गठबंधन में अंदर में चर्चा चलेगा ना, सार्वजनिक मंच से कोई सीट दे भी नहीं सकता, सार्वजनिक मंच से कोई सीट ले भी नहीं सकता। हाँ ये सब तो पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।